गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कभी कभी हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है ना, जैसे कि बचपन, और बचपन में हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है याद करो आपके, अचानक से बारिश हो जाए, पूरी रात बारिश पड़े और स्कूल से नोटिस आ जाए कि आज रेनी डे है, तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। तो अब ऐसा ही हो रहा है, मतलब अभी क्या हुआ, मैं तो उठ गई मॉर्निंग में, मैंने टिफ़िन वगैरह सब बना दिया, लेकिन जब मैंने करण को उठाया तो सडनली मैंने बोला, यार रात से बारिश पड़ रही है, एक बार एटलीस्ट नोटिस खोल के देख लो। कभी कभी मॉर्निंग में भी नोटिस आता है कि रेनी डे हो रही है, क्योंकि कंटिन्यू हमारे यहाँ 3 दिन से लगातार बारिश हो ही रही है। मतलब मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ का मौसम भी दिखा रही हूँ। और तो मैंने ऐसा बोला तो करण ने जैसे ही ना नोटिस खोला, मतलब पहले तो बस की जो हमारी ग्रुप है, बस वालों का मैसेज आया कि आज बारिश बहुत हो रही है तो स्कूल छुट्टी है। बट करण बोलता, नहीं मामा, स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया, तो हम तब तक कैसे बिलीव करें। तो मैंने वही करण को बोला कि एक बार स्कूल डायरी में भी चेक करो। और जैसे ही करण ने स्कूल डायरी चेक किया तो उसका रिएक्शन देख के मैं एकदम, मुझे इतनी हंसी आ रही थी तो मैंने उसका एक वीडियो भी बना लिया। मैं इसमें अब वो वीडियो भी डालती हूँ, आप भी देखिए। उसकी जो बच्चों की एक क्रेजी रिएक्शन होती है, खुशी होता है ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा। Today the school will be closed today for students July 25th, 2024. We prioritize the safety of our students and hence the decision is taken by the EIS management. Dear parents, due to heavy rainfall in Pune, the school will be closed today for students July 25th, 2024. We prioritize the safety of our students and hence the decision has been taken by the EIS management. Kindly note. Regards, principal. तो फाइनली स्कूल छुट्टी हो गई, कल से मैसेज का इंतजार कर रहे थे, है ना? 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है दोस्तों। ये देखिए हमारे यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं, पुणे में आपको मैं दिखा रही हूँ, 3 दिन से लगातार कंटिन्यू कहीं आना जाना सब हमारा बंद है। ये नीचे का देखिए आप, पानी कैसा भर गया है इसमें। ये मेरे घर के नीचे का है रास्ता, ये देखिए आप। और काफ़ी इस वजह से मच्छर भी हो रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, बहुत बारिश हो रही है। खैर क्लाइमेट तो अच्छा हो गया, बट ज़्यादा बारिश भी ऐसा लगता है, पता नहीं और कब तक मतलब पड़ती रहेगी, क्योंकि क्या होता है ना, आने जाने में बहुत पाबंदी हो जाती है। और गाइस, आपके यहाँ का मौसम कैसा है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस, दिशा सब में आज के लिए इतना ही, बस आपके साथ ये शेयर करना था कि बच्चे कितने खुश होते हैं वो दिखाना था आपको, और मुझे कमेंट करके बताना क्या आपके घर पर भी ऐसा कभी हुआ है। चलिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स के साथ, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ, ओनली ऑन दिशा हब में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।